हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और सबको पसंद आती है। तो आज वही रेसिपी है, तो चलो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जी ले लेना है। तो ध्यान से देखिए कौन कौन सी सब्जी लगती है पाव भाजी बनाने के लिए। तो मैंने 200 ग्राम फूलगोभी काट लिया है, 200 ग्राम शिमला मिर्च, 4-5 आलू और 200 ग्राम वटाना, जैसे कि हरा मटर। इन चारों सब्जियों को मैंने अच्छे से काट लिया है और धो लिया है। तो अब मैं पानी के साथ ही इसे कुकर में उबाल लूँगी। तो आप चाहे कुकर में उबाल लीजिए या किसी और बर्तन में, तो इसे अच्छे से उबाल लीजिए। और ये रही सारी इंग्रेडिएंट पाव भाजी बनाने के लिए। तो ये रही सब्जी जो मैंने उबाल रखा है, आपको पहले ही दिखाया कौन कौन सी सब्जी है। और 2 बड़े प्याज मैंने काट लिए है बारीक, 4-5 टमाटर प्यूरी पीस लिया है। और ये है अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। और ये वही पानी है दोस्तों जो हमने उबाला था, तो पानी को फेंके ना। इसके बाद ये है पाव भाजी मसाला रेडीमेड। तो अब मैं सब्जी को अच्छे से मैश करूँगी। अच्छे से मैश करें ताकि सब्जी एक भी खड़ा ना रहे। जितना अच्छे से आप मैश करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी पाव भाजी तैयार होगी बनके। तो अब चलते हैं दोस्तों गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ली है दोस्तों। तो आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, पर अगर आप लोहे की कढ़ाई लेते हैं तो पाव भाजी का टेस्ट एकदम बाहर जैसा, जैसे होटल जैसा, ढाबे जैसा, ठेले जैसा आएगा। तो लोहे की कढ़ाई हमने चढ़ा दी है गैस पे और आँच को मीडियम रखा है। और उसमें 2 से 3 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाल दी है। अब मैं ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ प्याज। आप रिफाइंड ऑयल की जगह आप बटर में भी यूज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं पाव भाजी। तो प्याज को मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो उसको जल्दी से पकने के लिए मैंने डाल दिया है चुटकी भर नमक, ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। अब मैं ऐड करूंगी 20-30 दाने हरे मटर। मटर को भी मैं प्याज के साथ ही भून लूँगी। अब मैं ऐड करूँगी इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। ये मैंने घर पे पीता है दोस्तों, आप रेडीमेड भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है प्याज का। तो अब मैं ऐड करूँगी इसमें टमाटो प्यूरी। तो जितना आपका टमाटो प्यूरी ज़्यादा रहेगा, उतनी ही अच्छी आपकी पाव भाजी रेडी होगी, क्योंकि पाव भाजी में सबसे ज़्यादा टमाटर और प्याज डाला जाता है। तो टमाटर को भी अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं ऐड करूँगी मसाले, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये रहे 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी में हल्दी नहीं डाला जाता है दोस्तों, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आप अच्छा कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप फूड कलर, रेड कलर या टमाटो कलर का डाल सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें सब्जी जो मैंने उबाल रखा है, अच्छे से मैश कर लिया है। तो सब्जियों को भी अच्छे से मैश करूँगी, मिक्स करूँगी। मिक्स करते करते आप इस तरह भी मैश कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले से ही मैश करें। तो अगर आप पहले से मैश करके रखते हैं तो पाव भाजी बहुत जल्दी बनके तैयार होगी। तो अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी मसालों को। इसके बाद मैं ऐड करूँगी पानी। तो दोस्तों ये वही पानी है जो मैंने उबाला था सब्जी। तो पानी को फेंके ना, जब भी आप सब्जी उबालें तो पानी साफ डालें, ताकि आप पानी यूज कर सके पाव भाजी के लिए। तो आप ग्रेवी उतना रखें जितना आपको चाहिए। तो अब मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो नमक ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमने प्याज में भी डाला था। इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें 2 बड़े चम्मच अमूल बटर।
थोड़ा अमूल बटर मैं अभी डालूंगी, थोड़ा बाद में डालूंगी। अब मैं ऐड करूंगी कस्तूरी मेथी, क्रश करके थोड़ा सा डालूंगी। इससे क्या फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पाव भाजी में। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लूंगी। तो दोस्तों पाव भाजी मेरी रेडी हो चुकी है, तो अब मैं एक प्लेट में सर्व करूंगी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं हमने प्लेट ले लिया है, पाव भाजी वाला प्लेट जिसमें स्पेशली मुंबई में खाया जाता है। तो पाव भाजी के साथ स्पेशली पाव खाया जाता है दोस्तों। तो मैं ऊपर से बटर डाल दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये हमने पाव सेक लिया है बटर में। तो पाव भाजी रेडी है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।